इसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी वो है प्लम का बुल्गेरियन रोज एंड हयालुरोनिक एसिड सीरम। इसमें आपको 2% मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड ये सीरम बहुत ही बेस्ट है सभी स्किन टाइप वालों के लिए। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई रहती है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑब्वियसली विंटर में सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट, प्लम्प एंड मॉइस्चराइज रखेगा। एंड इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको अपने गीले फेस पर इसे लगाना होगा, यानी कि फेस वॉश करने के बाद आपको अपने फेस को हल्का सा पोंछ लेना है, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिएगा तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, सीरम के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है मॉइस्चराइजर का। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर, जो कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, स्पेशली ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। दूसरा मैं ऑप्शन यहाँ पर आपको दूंगी लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। एंड इसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे एक हैक भी समझ सकते हैं, जो कि मैं अक्सर अपने स्किन केयर रूटीन में फॉलो करती हूँ और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गुड वाइब्स का मलबरी एंड रोज जेल यूज कर सकते हैं। इसे आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, इसे आपको क्या करना है, मैंने जो सीरम का ऑप्शन दिया था गुड वाइब्स का, इसके साथ आपको इसे मिक्स करके अपनी स्किन केयर में ऐड करना है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना होगा और आपकी टाइम भी वेस्ट नहीं होगी। सीरम एंड मॉइस्चराइजर दोनों का बेनिफिट्स ले सकते हैं इस तरह से। एंड इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है सनस्क्रीन का। पहले मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप द डर्मोको का अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल यूज कीजिए, जो कि ड्राई सेंसिटिव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, और ये SPF 60 है और PA++++ है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट में मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी न्यूट्रोजिना का ड्राई टच सनब्लॉक, जो कि SPF 50 के साथ आता है। ये नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है और टीनेजर गर्ल के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन जेल भी यूज कर सकते हैं, बेस्ट सनस्क्रीन है टीनेजर गर्ल के लिए। इसमें आपको SPF 50 मिलता है PA++++ के साथ। एंड इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये घर के लिए है, अगर आप घर के अंदर है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि है अरोमा मैजिक का सनब्लॉक, जो कि SPF 30 के साथ मिलता है। बाहर जाते हैं ज्यादा धूप में तो आप इसे लगाकर नहीं जा सकते हैं, तो आपको SPF 50 या SPF 60 लगाकर बाहर जाना होगा, ये आपके घर के लिए अच्छा है। तो आप इन चारों में से कोई एक सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा स्टेप आता है वो होता है लिप्स का। तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वेस्लिंग पेट्रोलियम जेली यूज कीजिए, इसको मॉइस्चराइज हाइड्रेट एंड ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा, आपकी लिप्स को सॉफ्ट सपल भी बनाएगा। इस सभी पार्ट में मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिया है, उनमें से आपको जो सूट हो आप वो यूज कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको सारा का सारा प्रोडक्ट यूज करना है, जी नहीं, आप अपने बजट के हिसाब से एंड आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।